हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी रैली इस शेयर ने दिखाई है। हमें 5 रुपीज़ और 6 रुपीज़ के आसपास कहा था फ्रेंड्स कि इस शेयर को अगर बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा मल्टीबाय का साबित हो सकता है। और जब से अपडेट आना स्टार्ट हुआ है पिछले 2 से 2.5 महीने में, अगर हम वोडाफोन आइडिया के फंड रेज की बात करेंगे तो तब से हमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में काफ़ी अच्छा ग्रीन चार्ट देखने को मिल रहा है बार बार। तो इसी तरीके से दो बड़े अपडेट आज भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहला अपडेट काफ़ी पॉजिटिव है और दूसरा अपडेट थोड़ा चैलेंजेस क्रिएट करने वाला है। आई थिंक दूसरे अपडेट की वजह से ही हमें एक माइल्ड तेज़ी देखने को मिली है वोडाफोन आइडिया में, जहाँ पे सिर्फ 0.70% जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है आज के सेशन की बात करेंगे तो। बट अगर हम आज के सेशन का ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो 17.34 तक हाई बनाया था और लो बनाया था 16.86, लेकिन उसके बाद हमें शेयर फिर से क्विकली बैक होता हुआ दिखा और एक अच्छा वॉल्यूम भी ट्रेड होता हुआ दिखा। तो कौन से अपडेट्स से उनको वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव अपडेट जो काफ़ी बड़ा लगा फ्रेंड्स मुझे, उसको कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कम्प्लीट्स मिनिमम रोल आउट एप्लीकेशन ऑन 5G नेटवर्क। फ्रेंड्स, 5G नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 17 टेलीकॉम सर्कल्स इन 2023 जो है यहाँ पे अवेलेबल है वोडाफोन आइडिया के पास। देखिए, वोडाफोन आइडिया हैज़ एक्वायर स्पेक्ट्रम टू प्रोवाइड 5G सर्विसेज इन 17 टेलीकॉम सर्कल्स इन 2022, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। बट यहाँ पे अगर आप बात देखोगे वोडाफोन आइडिया के बारे में मेन अपडेट्स की, तो देखिए द कंपनी हैज़ रिसेंटली रेज्ड अराउंड 20,000 करोड़, कंप्राइजिंग 18,000 करोड़ फ्रॉम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एंड 2,075 करोड़ फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप। रिसेंटली भी कुछ फंड रेज करे हैं जो मैंने आप लोगों को क्विकली शेयर किए थे कुछ दिनों पहले। आप पुराना वीडियो देख सकते हो जो कि 2 से 3 दिन पहले का आपको मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने जो है 5G रोल आउट करने के बारे में बताया था और 4G सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में बताया था। तो जो 5G सर्विसेज की सीरियसनेस है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के एक्शन से दिख रही है। डेट रिडन टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ऑन फ्राइडे सेड इट हैज़ कंप्लीटेड द मिनिमम रोल आउट एप्लीकेशन ऑफ 5G नेटवर्क्स। वोडाफोन आइडिया हैज़ एक्वायर्ड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड 5G सर्विसेज इन 17 टेलीकॉम सर्कल्स इन 2022। मतलब इन्होंने जो स्पेक्ट्रम है उसमें पार्टिसिपेट किया था और 17 टेलीकॉम सर्कल्स में जो है यहाँ पे जो बैंडविड्थ जो स्पेक्ट्रम इनको लगने वाला था उसके बारे में जो है यहाँ पे बाइंग की गई थी, उसी टाइम पे बिड की गई थी और कुछ फंड भी एडवांस में दिया गया था। बट अभी फंड जो रिसेंटली रेज हुआ है उसको यूटिलाइज करते हुए जल्द से जल्द 5G का जो रोल आउट है ये करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे इस अपडेट से वही दिख रहा है, वोडाफोन आइडिया हैज़ कंप्लीटेड इट्स मिनिमम रोल आउट एप्लीकेशन अक्रॉस ऑल VI 5G सर्कल्स ऑन बोथ स्पेक्ट्रम बैंड्स, द कंपनी सेड इन द स्टेटमेंट। VIL हैड एक्वायर्ड 50 MHz स्पेक्ट्रम इन 3,300 MHz ब्रांड अक्रॉस 17 सर्कल ईच फॉर, यहाँ पे देखिए, 15,137.75 करोड़ थ्रू ऑक्शंस दैट वेयर हेल्ड इन 2022। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा फंड यूज इन्फ्यूज यहाँ पे वोडाफोन आइडिया कर रही है, जिसके चलते एक तो फॉर श्योर यहाँ पे तय होता है कि वोडाफोन आइडिया हार मानने वालों में से नहीं है। वोडाफोन आइडिया मार्केट में रहने वाली है, गवर्नमेंट भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एक बहुत पॉजिटिव अपडेट अगर आपको देखना है फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पे थोड़ा सा शेयर होल्डिंग इन्होंने गवर्नमेंट को दिया। इमिडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने मई में क्या किया, देखिए 36.85 हुआ था इनका होल्डिंग, इन्होंने इमिडिएटली मार्केट से 18.17% का भी होल्डिंग है, यानी इमिडिएटली इन्होंने मार्केट से यहाँ पे जो शेयर्स थे उनको भी बाय किया। इट मीन्स जो शेयर्स है वो कंपनी प्रमोटर ग्रुप बचाना चाहती है, उनको पता है उनको अगर गेम चेंजर बनना है 5G एंड 4G में तो उनको फंड की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए शेयर होल्डिंग अच्छे से रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दूसरे अपडेट की बात करते हैं। रिसेंटली बताया था कि 23,000 करोड़ का जो है लोन यहाँ पे बैंकर से जो है वोडाफोन आइडिया सीख कर रही है, बट अभी तक जो है बैंकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज बैंकर्स जो है यहाँ पे कॉशियस होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें वोडाफोन आइडिया की तरफ। बट जिस तरीके के डिसीजन यहाँ पे दिए जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से, आई थिंक बैंकर्स कोई ना कोई बैंकर्स डेफिनेटली सोचेगा वोडाफोन आइडिया को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। रिसेंटली इंडस टावर्स में भी जो है वोडाफोन ने जो है उनका स्टेक बेचा है ऑलमोस्ट 10% तक का, जिस उससे जो फंड आने वाला है उसके फंड को यूज़ करके जो है यहाँ पे मार्केट में डेट कम करने के बारे में भी कंपनी जो है काफ़ी सीरियसली देख रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पास ये शेयर सिंगल डिजिट
प्राइस में अवेलेबल है, तो लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा मल्टीपैकर साबित हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।